हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमको एक नया टॉपिक पढ़ना है। आज हमको पढ़ना है मेकिंग सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब हमको पॉजिटिव सेंटेंस को मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, लेकिन सिंपली, मतलब सिर्फ इतना ही करना है कि वो सेंटेंस नेगेटिव बने। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, हमको बोला जाता है, पेपर में आता है, हमको एग्जाम में आता है कि हमको इस तरह से उसको नेगेटिव बनाना है कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये तो देख लें कि नेगेटिव बनता कैसे है, उसके बाद ये देखेंगे कि मेकिंग नेगेटिव बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल ही देखते हैं कि सेंटेंस को नेगेटिव किस तरह से बनाना है, मतलब रूल्स क्या है नेगेटिव बनाने के लिए। तो देखो, हमने यहाँ पे लिखा है अगर टू बी की फॉर्म है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में टू बी का फॉर्म है, टू बी फॉर्म मतलब जैसे एम इज आर हुआ, वॉज वेयर, शॉल बी, विल बी, अगर इनमें से अगर कोई सेंटेंस में आया है और अगर हमको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमको क्या करना है, हमको देखो, हमको ना जैसे अगर वहाँ पे एम या एम इज आर या वॉज वेयर इनमें से कोई भी टू बी का फॉर्म आया है तो हमको सेंटेंस में बस उसके बाद नॉट लगाना है और सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। इट्स वेरी इजी, देखो बहुत सिंपल है। अगर सेंटेंस में एम इज आर या वॉज वेयर अगर आया है तो हमको सेंटेंस में उसको, उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए बस इसके आगे हमको नॉट लगाना है और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रखना है, क्योंकि हम लोग सिंपल निगेटिव ले रहे हैं। अगर हम ये बोलते अगर हमको विदाउट चेंजिंग अगर सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है तब उसका रूल थोड़ा अलग था, लेकिन इसको सिंपली हमको निगेटिव बनाना है तो हमको टू बी के फॉर्म जैसे एम इज आर वॉज वेयर इसके बाद हम नॉट लगा के सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। इसके बाद अगर शॉल बी और विल बी है सेंटेंस में तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको शॉल बी के बीच में नॉट लगाना है और विल बी के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, इसमें सिंपल था, हमको एम इज आर वॉज वेयर के बाद नॉट लगाना था, लेकिन अगर सेंटेंस में शॉल बी या विल बी है तो आपको शॉल के बीच में नॉट लगाना है और विल के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में हमको यहाँ पे आपको सिंपल निगेटिव बनाना है। ठीक है, सिंपल निगेटिव मतलब अगर टू बी का फॉर्म है तो आपको उसके बाद बस नॉट लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया है आई एम टायर्ड, अगर आपको इसको निगेटिव बनाना है तो बस आपको यहाँ एम के बाद में यहाँ पे नॉट लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टायर्ड। अब सेकेंड एग्जाम्पल में ही इज़ अ लायर, अब यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। आप नॉट कहाँ लगाओगे, देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है, बस आपको इसके बाद यहाँ पर नॉट लगाना है, तो ये हो जाएगा ही इज़ नॉट अ लायर। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल, इट इज़ ट्रू, अब यहाँ पे नॉट कहाँ लगाना है, इसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है जो टू बी के फॉर्म है, जिनको जिसके बाद हमको नॉट लगाना है उनको सभी को मैंने यहाँ हाईलाइट किया था आपको, ताकि आपको सेंटेंस को निगेटिव बनाने में प्रॉब्लम ना जाए। अब यहाँ पे इट इज़ ट्रू, तो बस आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो सेंटेंस क्या बचाएगा, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, बन गया निगेटिव। अब यहाँ पे यू वेयर अनविलिंग, अब इसको निगेटिव बनाना है तो किस तरह से बनेगा, यू वेयर Not unwilling, हो गया सेंटेंस निगेटिव। अब यहाँ पे देखो शॉल विल बी स्टडिंग, अब यहाँ पे शॉल है, विल बी है, तो अब नॉट कहाँ लगाओगे, तो आपको शॉल के बाद, क्योंकि यहाँ शॉल जो है एज अ सब्जेक्ट आया है और आपका वर्ब, मतलब वर्ब जो टू बी का फॉर्म है वो ये है, तो आपको नॉट कहाँ लगाओगे, आप नॉट यहाँ लगाओगे, नहीं आप नॉट यहाँ नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको रूल के, हमने अभी जब रूल पढ़ा था हमने देखा था कि हमको अगर शॉल बी और विल बी है तो आपको उसके बीच में नॉट लगाना है, शॉल और बी के बीच में और विल और बी के बीच में, तो आप यहाँ पे नॉट लगाओगे तो सेंटेंस बन जाएगा शॉल विल नॉट बी स्टडिंग। ठीक है, अब दूसरे रूल के हिसाब से अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, अब वो कौन से थे, टू बी के फॉर्म वाले वर्ब्स थे, अब ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में आए हैं तो सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाएंगे, इसको भी सिंपली उसी तरह से देखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है तो बस आपको उसके बाद में नॉट लगाना है और सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। बहुत ईजी है, जैसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब किस तरह से, जैसे है कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, शॉल, विल, नीड, अगर इस तरह के आपको वर्ब्स आए हैं तो बस आपको सेंटेंस में उसके बाद में नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल आई शॉल डू दिस, अगर इसको निगेटिव बनाना है तो सेंटेंस किस तरह से नॉट बन जाएगा, निगेटिव बनेगा आई शॉल नॉट डू दिस। ठीक है, अब इसको निगेटिव बनाना है तो इट विल लुक नाइस, तो ये निगेटिव किस तरह से बनेगा, इट विल यहाँ पे आ जाएगा नॉट, इट विल नॉट लुक नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आई शुड डू दिस, अब इसको निगेटिव बनाना है तो सिंपली शूट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, और ये सेंटेंस बन जाएगा आई शुड नॉट डू दिस। अब नेक्स्ट वाले में देखो यू कैन डू दिस वर्क, अब यहाँ पे नेगेटिव किस तरह से बनेगा, तो आपको यू और कैन, कैन के बाद में यहाँ पे आ जाएगा नॉट और ये बन जाएगा सेंटेंस यू कैन नॉट डू दिस वर्क। जो वर्ब्स थे उसमें टू बी के वर्ब थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, मैंने उन सभी को हाईलाइट किया है क्योंकि ये बताने के लिए आपको बस उसके बाद में बस नॉट लगाना है।
सिंपल ही है, बहुत सिंपल था। अभी दूसरा वाला देखो, अभी तक हमने देखा था कि हमको सिंपल निगेटिव बनाना था, मतलब सेंटेंस में बस नॉट आना चाहिए था ताकि उस सेंटेंस से एक निगेटिव सेंस आए। हमने जब पढ़ा था तब हमने ये देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो थे जिसमें से हमको पॉजिटिव सेंस आता था सेंटेंस का, लेकिन निगेटिव क्या थे, जैसे अगर सेंटेंस से अगर निगेटिव सेंस आ रहा है तो वो होते थे हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। अब हमको पहले रूल जो हमने देखा कि हमको सिंपल निगेटिव सेंटेंस बनाना था, मतलब सिंपल निगेटिव बनाने के लिए बस हमको उसमें एक नॉट का ऐड करना था और हमारा सेंटेंस निगेटिव बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, मेकिंग निगेटिव सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब हमको सेंटेंस को निगेटिव भी बनाना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जांपल्स में देखो, हमने बनाया था इट विल लुक नाइस, ठीक है, मतलब वो अच्छा दिखेगा। अब उसको निगेटिव बनाया तो क्या बन गया, इट विल नॉट लुक नाइस, मतलब उसका मीनिंग चेंज हो गया कि वो अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन हमको अभी इस बार क्या करना है, सेंटेंस में नॉट लगाने से सेंटेंस में निगेटिव सेंस तो आता है लेकिन हमको इस तरह से उसको निगेटिव बनाना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, देखो सेंटेंस में क्या लिखा है, हेयर यू हैव टू मेक निगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव, हमको यहाँ पे पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है, हमको पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, उसमें हमको ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बस हमको एक सेंटेंस दिया था, सेंटेंस में रूल के हिसाब से बस नॉट लगाना था और सेंटेंस को निगेटिव बनाना था। लेकिन इस सेंटेंस में हमको ये कंडीशन दी है कि हमको सेंटेंस को निगेटिव तो बनाना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ डिफिकल्ट, अगर आपको इसको सिंपल निगेटिव बनाना होता तो आप बनाते इसको इट इज़, इसके बाद क्या आता नॉट और ये हो जाता डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गया सिंपल निगेटिव फॉर्म में, इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब ये डिफ़िकल्ट है, अगर हम उसको निगेटिव बना रहे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मतलब वो डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। लेकिन हमको अगर बनाना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे, जैसे इट इज़ नॉट ईजी, इसका मीनिंग क्या था, इट इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब वो डिफ़िकल्ट है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, इट इज़ नॉट ईजी, मतलब वही मीनिंग हो रहा है कि वो डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है। ईजी नहीं है का मतलब क्या है, ऑब्वियसली वो डिफ़िकल्ट है। तो हमने इसमें क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है नॉट ताकि हम निगेटिव बना पाए और मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़िकल्ट की जगह ईजी लिखा है। ईजी डिफ़िकल्ट का क्या है, ईजी डिफ़िकल्ट का अपोजिट वर्ड है, मतलब उसका एंटोनिम, ठीक है। जैसे अब एक और सेंटेंस में देखो, शी हेट्स हर, अगर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल निगेटिव, शी डज नॉट हेट हर, ये सिंपल निगेटिव बनेगा, शी डज नॉट हेट हर। हेड्स, हेड्स के जगह आपने डज नॉट क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमने देखा है कि अगर देखो सिंपली अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, अगर क्रियापद जो है प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का अगर क्रियापद सेंटेंस में है प्रेजेंट टेंस, तो हमको उसके अगर नॉट लगाना है तो हम उसमें लगाएंगे डू नॉट या डज नॉट, ठीक है। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस का क्रियापद है, अगर वो पास्ट टेंस का क्रियापद है तो आप सेंटेंस में वो आपके पहले क्या लगाओगे, डिड नॉट। अब देखो पास्ट टेंस का मतलब वो उसके वी टू फॉर्म में होगा, लेकिन अगर आप उसमें डिड नॉट लगा रहे हो तो आपको उसके वी वन फॉर्म में आपको उसको लिखना है। और यहाँ पर भी अब डू नॉट कब होगा, जब वर्ब को यस ईएस या आई एस नहीं लगा है, मतलब जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस फॉर्म में तो है लेकिन अगर उसको यस ईएस आई एस नहीं लगाए तो आप डू नॉट लगाओगे, लेकिन अगर उसको यस ईएस या आई एस लगा है तो आप उसमें डज नॉट लगाओगे। और डज नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब का यस ईएस फॉर्म जो है उसको रिमूव करके उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे भी आपको बस उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है, जैसे डिड नॉट जो है ना वी वन नहीं, आपको बस उसके एक्चुअल फॉर्म में उसको लिख देना है, ठीक है। जो भी उसका एक्चुअल फॉर्म है बस उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है। इतना समझ में आया, तो देखो जैसे हम इसको यहाँ पे हेड्स था मतलब प्रेजेंट टेंस का जो क्रियापद था वो था, लेकिन उसको यस ईएस मतलब ईएस लगा था इसलिए हमने यहाँ पे डज लगा दिया और उसका जो ईएस फॉर्म था उसको निकाल के हमने सिंपल इसको शी डज नॉट हेट हर। लेकिन हमको यहाँ पे बोला है कि उसका जो
क्या है, मीनिंग नहीं चेंज करना। अभी यहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो गया लेकिन हमको यहाँ पे मीनिंग नहीं चेंज करना, तो हम इसको क्या बनाएंगे, शी डज नॉट लव हर। मतलब हमने यहाँ पे हेट का एंटोनिम यूज़ किया है। और देखो हमने भी यहाँ पे उसका यस, मतलब ईएस जो है, यस ईएस आई एस जो भी है उसको हमने इसमें भी नहीं लिखा है, ठीक है। मतलब निगेटिव भी बनाना है या फिर मीनिंग चेंज किया किए बिना भी आपको निगेटिव बनाना है तो भी आपको ये कंडीशन याद रखनी है, अगर आप डज नॉट लगा रहे हो तो वो आपका यस ईएस आई एस फॉर्म निकाल देना है, ठीक है। तो अभी बात आती है एंटोनिम्स की, एंटोनिम्स और साइनोनिम्स क्या होते हैं। अब देखो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, आपको एग्जाम में पूछा जाता है साइनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में। तो साइनोनिम्स क्या है, साइनोनिम्स वो होते हैं जो वर्ड के, अगर हमको वर्ड के सिमिलर वर्ड, मतलब क्या लिखा है, इट इज़ अ वर्ड दैट मीन एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब जो वर्ड दिया है उसके उसी तरह का कोई वर्ड हमको लिखना होता है। लेकिन एंटोनिम्स में क्या होता है, उसके अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड लिखना होता है। इसमें दोनों वर्ड में, दोनों वर्ड का मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन हमको एंटोनिम्स में क्या करना होता है, उसका अपोजिट वाला लिखना होता है। और हमको सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, एंटोनिम्स की, साइनोनिम्स की जरूरत नहीं पड़ी। साइनोनिम्स सिमिलर मीनिंग होगा तो सेंटेंस तो नेगेटिव बनेगा और उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, कोई मतलब कोई फायदा ही नहीं होगा हमको उसके यूज करके। इसलिए हमको यूज करना है एंटोनिम्स, मतलब अपोजिट मीनिंग आ जाएगा जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो निगेटिव भी बन जाएगा और उसका मीनिंग चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ साइनोनिम्स है, अब यहाँ पे मैक्सिमम, लार्ज, लॉन्ग और माइनर, यहाँ पे भी सेम है एंटोनिम्स में, मैक्सिमम, लार्ज, लॉन्ग और माइनर। अब देखो मैक्सिमम का साइनोनिम क्या है, हाईएस्ट, वही उसका जो एंटोनिम है वो क्या है, मिनिमम और लीस्ट। मतलब ये सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है और ये उसके अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। जैसे यहाँ पे लार्ज का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है बिग और उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है स्मॉल, और यहाँ पे लॉन्ग का है प्रोलॉन्ग और अपोजिट में है शॉर्ट, और यहाँ पर माइनर में है स्मॉल और स्लाइट, वहीं इसका अपोजिट में मीनिंग होता है मेजर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आपको कल, मतलब हमारे नेक्स्ट वाली क्लास में दूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे आपको एक छोटा सा टॉपिक के बारे में लेना है, वो है मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बस छोटा सा इंट्रो देकर, बस एक छोटा सा इंट्रो देना है। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने जो अफर्मेटिव थे उससे नेगेटिव बनाया था, अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, मतलब किससे, नेगेटिव से उसको अफर्मेटिव बनाना है। अगर सिंपली आपको इसको एक, अगर इसको अफर्मेटिव बनाना है तो आप किस तरह से बनाओगे, तो आज ना आप इसको अफर्मेटिव बना के ट्राई करो। हमारी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको इसका आंसर भी बता दूंगी और साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बिना मीनिंग चेंज किए, और उसी में हम लोग इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। टिल देन थैंक यू।